बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन द डिमांड ऑफ खुशी पाठक, ये ट्रिग्नोमेट्री एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सम टू द एन टर्म्स, और ये कोसाइन सीरीज है, कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा प्लस कॉस फाइव थीटा, इसी तरीके से अगला टर्म कॉस सेवन थीटा एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर है, सॉरी नंबर ऑफ एन टर्म्स हैं जिसका हमको सम निकालना है, एन टर्म्स का सम निकालना है और कोसाइन सीरीज़ है। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि जो एंगल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो एपी में है, थीटा थ्री थीटा फाइव थीटा, कैसे पता लगेगा एपी में, उसके लिए सेकंड टर्म को यानी एंगल को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे तो देखेंगे कि टू थीटा आ रहा, थर्ड वाले को माइनस कर देंगे सेकंड से वो आ रहा टू थीटा, इक्वल आ रहा, इसी तरीके से अगला सेवन थीटा होगा और उसमें से फाइव थीटा माइनस करेंगे तब भी जो होगा वो टू थीटा ही आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं ये तो थीटा के इक्वल है, और कॉमन डिफरेंस इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इक्वल है, टू थीटा के इक्वल है। तो ये कोसाइन सीरीज जिसमें फर्स्ट टर्म अगर अल्फ़ा हो और कॉमन डिफरेंस बीटा हो, यानी इस टर्म में बीटा जोड़ देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, और इस तरीके से इसमें बीटा जोड़ देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, तो बीटा है टू बीटा हो जाएगा। तो ये सीरीज़ कहलाती है कोसाइन सीरीज़, और इसके जो एंगल्स दे रखे हैं वो ए पी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, जैसे कि इस सीरीज़ के हैं। और इसका नंबर ऑफ टर्म अगर अप टू एन हो तो इस सीरीज़ के सम के लिए एक फार्मूला होता है, जो कोसाइन सीरीज़ में यहाँ पर कॉस आता है और साइन सीरीज़ में साइन आता है। तो अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू इंटू साइन एन बीटा बाई टू, साइन सीरीज़ में यहाँ पर साइन ही रहेगा और अपान में भी साइन रहेगा, और कोसाइन सीरीज़ में सिर्फ चेंजेस यहाँ पर आएगा, कोसाइन सीरीज़ है तो इधर कॉस होगा ओनली, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही, साइन सीरीज़ में भी यहाँ पर साइन आएगा बाकी सभी एक जैसे रहेंगे। फिलहाल अपनी प्रॉब्लम कोसाइन सीरीज़ की है, कोसाइन सीरीज़ का सम निकालना है, तो अल्फ़ा की जगह पर देख रहे थीटा है और बीटा की जगह पर टू थीटा है, यानी टू थीटा इसमें ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, ऐसे ही हमारा बीटा ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म मिलते चले जाएंगे, एंगल एपी में हो तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो हम लोग इस को जब यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो इस सीरीज़ का सम एन टर्म्स पर सम का फार्मूला, यानी इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि सीरीज़ आ जाएगी कॉस अल्फ़ा की जगह पर अपना थीटा है प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, बीटा की जगह पर अपना टू थीटा था होल अपान में टू इंटू साइन एन बीटा, बीटा की जगह टू थीटा है अपान में टू होल अपान में साइन बीटा बाई टू, मीन्स बीटा की वैल्यू अपनी टू थीटा के इक्वल है होल अपान में टू। अब ये टू से टू कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे टू से टू कैंसिल कर दें, इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे आगे इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद, इजिकल टू कॉस थीटा प्लस एन माइनस वन इंटू थीटा इंटू साइन एन थीटा होल अपान में साइन थीटा के बराबर है, इजिकल टू कॉस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे कॉस थीटा प्लस ब्रैकेट ओपन करने पर थीटा का इसमें इंटू होगा एन में तो एन थीटा माइनस वन में थीटा होगा वन में इंटू होगा तो थीटा इंटू साइन एन थीटा होल अपान में साइन थीटा, थीटा से थीटा ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कॉस एन थीटा इंटू साइन एन थीटा अपान साइन थीटा। तो सम तो आ गया ये, और अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साइन के साथ जितना एंगल है उतना ही कॉस के साथ एंगल है, और अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई टू से कर दें ऊपर नीचे तो साइन टू थीटा की आइडेंटिटी बनती हुई नज़र आ रही है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, अपान में तो साइन थीटा है, ऊपर ये बन जाएगा साइन को पहले लिख दें साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा, और देखेंगे ये आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं टू साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू जो होती है वो साइन टू ए के इक्वल होती है, तो इसे लिखा जा सकता है साइन टू टाइम्स जो भी एंगल यहाँ पर लिखा है, यानी ए था तो टू टाइम्स ए हो गया, यहाँ पर एन थीटा है तो एन टाइम्स थीटा हो जाएगा, एन टाइम्स थीटा हो जाएगा अपान टू साइन थीटा, और हम लोग जानते हैं वन अपान साइन थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा के इक्वल होती है,
तो 1/2 इंटू साइन एन थीटा, यानी सॉरी 2n थीटा इंटू 1/sin, इसे 1 का इंटू आ सकते हैं, तो 1/sin की वैल्यू को लिखा जा सकता है cosec थीटा के इक्वल। इस तरीके से हमारे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका है। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे वो कहलाता है C+IS मेथड। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच इंडीड।